चीज हमने अच्छे से स्प्रेड कर दिया है अब इसको मिक्स कर लेंगे और गरम गरम ही हम इसको सर्व करेंगे हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका कार्डियो किचन में मेरा नाम है मनीषा आज हम बनाने जा रहे हैं वाइट सॉस पास्ता इसके लिए मैंने लिया है 200 ग्राम पास्ता 200 सौ दूध लगभग 50 ग्राम बटर लगभग 50 ग्राम ही हमने चीज ली है एक प्याज लिया है हमने लंबा कटा हुआ एक शिमला मिर्ची लंबी कटी हुई दस से पंद्रह काली मिर्ची है ये दरदरी हमने पीस ली है नमक लिया है स्वाद के अनुसार दो टी हम लेंगे मैदा और साथ में थोड़ी सी लाल मिर्ची चिली फ्लेक्स भी हम यूज कर सकते हैं साथ ही इसके इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी सबसे पहले हम पास्ता को बॉईल करेंगे 200 ग्राम पास्ता हमने लिया है तो इसमें डबल पानी लेंगे हम पानी को हम सबसे पहले बॉईल करने रखेंगे ये पानी अच्छे से गर्म हो गया है इसमें उबाला आ गया है अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक दो चम्मच तेल और इसमें डाल देंगे हम पास्ता पास्ता इसमें हमने डाल दिया है अब हम इसको थोड़ी थोड़ी देर में हिलाते रहेंगे और लगभग चार पांच मिनट तक पकने देंगे जब तक पास्ता उबल रहा है तब तक हम व्हाइट सॉस तैयार कर लेते हैं व्हाइट सॉस बनाने के लिए सबसे पहले पैन में हम डालेंगे बटर बटर को मेल्ट होने देंगे बटर मेल्ट हो गया है अब हम इसमें मैदा डालेंगे और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे दो से तीन मिनट के लिए लगभग अच्छे से भुनेंगे ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए मैदे को हमें लगातार चलाते रहना है मैदा अच्छे से भुन गया है अब हम इसमें दूध डालेंगे दूध थोड़ा थोड़ा करके डालना है एक साथ नहीं डालना है ये सॉस हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे ही बनाना है थोड़ा थोड़ा करके दूध हम मिलाते जाएंगे और इसको अच्छे से चलाते जाएंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना पड़े ये बाकी बचा हुआ दूध भी सारा हम इसमें मिला देंगे और इसको अच्छे से चलाएंगे ये अच्छे से सारा मिक्स हो गया है इसको लगभग एक मिनट के लिए उबलने देंगे जब तक हम पास्ता चेक कर लेते हैं पांच मिनट हो गए हैं पास्ता अच्छे से उबल गया है अब इसको दो तीन मिनट के लिए हम ढकके रख देंगे ये सॉस अच्छे से बनकर तैयार हो गई है ये देखिए इतनी गाढ़ी है ये इसे चिपकने लग गई है मतलब ये तैयार है अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा हम नमक और थोड़ी सी काली मिर्ची इसको अच्छे से मिक्स करेंगे अब इसी में हम चीज के छोटे छोटे क्यूब्स करके डाल देंगे चीज हमने पूरी नहीं ली अभी आधी चीज हमने ली है सॉस अभी गरम है तो ये जल्दी ही मेल्ट हो जाएगी और गैस को हम बंद कर देंगे पास्ता अच्छे से बॉईल हो गया है ये देखिए ये आसानी से कट रहा है इसका मतलब ये हमारा तैयार है अब हम इसका जो पानी है वो निकाल देंगे ये पतीले का सारा पानी हमने निकाल दिया है अब इसको वापस इसी में डालकर इसमें थोड़ा ठंडा पानी मिलाएंगे और फिर से इसको छानेंगे इससे इसमें जो एक्स्ट्रा स्टार्च होता है वो सब निकल जाता है ये पास्ता हमने छान लिया है इसमें से सारा पानी चन्नी से निकल गया है ये पास्ता अब हम बाउल में डाल देंगे अब हम प्याज और शिमला मिर्ची को कुक करेंगे इसके लिए मैंने कढ़ाई में दो टेबल स्पून ऑयल डाला है ऑयल गरम हो गया है अब इसमें सबसे पहले हम डालेंगे प्याज इसको थोड़ा सा चलाएंगे और साथ साथ ही इसमें डाल देंगे शिमला मिर्ची हम पूरा नहीं पकाएंगे इसको हाफ कुक ही करेंगे प्याज और शिमला मिर्ची कुक हो गई है अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे नमक ज्यादा नहीं डालना है थोड़ी सी काली मिर्ची इसको मिक्स करेंगे और इसमें व्हाइट सॉस ऐड कर देंगे व्हाइट सॉस हमने इसमें मिक्स कर दिया है अभी सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर ये आपको गाढ़ा लगता है तो इसमें थोड़ा सा हम मिल्क ऐड कर सकते हैं ये मेरे को थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड करूंगी ये देखिए ये इस थिकनेस का होना चाहिए इसमें अच्छे से उबाला आ गया है अब हम इसमें पास्ता ऐड करेंगे पास्ता को इस सॉस के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे ये अच्छे से मिक्स हो गया है अब हम ऊपर से इसमें थोड़ा सा जो बचा हुआ हमारा चीज था वो स्प्रेड कर देंगे चीज हमने अच्छे से स्प्रेड कर दिया है अब इसको मिक्स कर लेंगे और गरम गरम ही हम इसको सर्व करेंगे ये पास्ता बन के रेडी हो गया है ये बहुत ही चीजी बना है अब हम इसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल देंगे आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करिए अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और शेयर करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल क्लिक करें थैंक यू